जिला गंगा समिति भोजपुर के द्वारा ग्राम के सभी प्रखंड में विशेषकर अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा, जो कल से गंगा ग्राम प्रखंडों में शुरू होना है। उसके लिए सभी प्रखंडों में आज पौधे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस अभियान के तहत पहली बार सभी प्रखंडों में 5000 पौधे उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें मूल रूप से फलदार और छायादार पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के तहत निर्णय लिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक वृक्ष देकर एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम को सफल बनाना है। यह पौधे स्कूल, कॉलेज और गंगा ग्राम के सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। जिला परियोजना अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि पौधे वृक्ष के श्रृंगार होते हैं और इस श्रृंगार की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के प्रत्येक वर्ष पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, उसको बचाने के लिए एकमात्र ही रास्ता है अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाया जाए। ठीक है, अभी फिर 50 करवा रहे हैं मैम, हम अपने हिसाब। आज जिला गंगा समिति भोजपुर, जिला प्रशासन खास और वन विभाग के सहयोग से लगभग 5000 पहली बार में पौधारोपण होगा, जिसमें फलदार और छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। जो भी गंगा ग्राम के युवा हैं जो हमारे साथ हैं, इन सभी ने वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के सभी छात्रों को एक वृक्ष एक पौधे के नाम से ये कल से वितरण होना स्टार्ट होगा। और हमारे यहाँ पूरे 15 पंचायत हैं गंगा ग्राम में, उनके सभी पंचायतों में ये वृक्षारोपण होगा और ये सभी सापुर, आरा और बड़हरा प्रखंड में ये पौधे जा रहे हैं और ये सारे उस गांव के युवा हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सहयोग सरकार, जिन्होंने इनके कहने पे गंगा ग्राम के युवाओं के कहने पे बन चला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये मैं सभी से कहूँगा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी पौधा यहाँ से जा रहा है वो पूरी तरह से लगे और रक्षा करे, ये जिम्मेवारी के साथ ये पौधा लेना है। धन्यवाद। गोल्डन पौधवा उठाओ ना, पौधवा उठाओ। रखवाओ लोग जल्दी जल्दी। जामुन ले लो। का के जामुन? दीदी 10 को जामुन दे देंगी। ले लो इसमें से जामुन। तुरंत बहुत गीला है।